हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आपने देखा अभी से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे बोहर्स के जो लिमिटेशंस थे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के, वो फर्दर एक्सप्लेन नहीं हुए। ओके, या जो फर्दर थ्योरीज थी उनको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं करा या नहीं कर पाए। उनमें से एक मेन था फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। बट आप सभी जानते हो बोहर एटॉमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन वेरी क्लीनली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। वट इज लाइन स्पेक्ट्रम? यू नो लाइन स्पेक्ट्रम, वेन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, वेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, then some radiation is emitted and the emitted radiation when passed through the prism, then the spectrum observed on the screen or studied by spectroscope, that is called line spectrum। लेकिन बेटा क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जब हम इस लाइन स्पेक्ट्रम को किसी बहुत ही हाई रिजॉल्विंग पावर, जिसमें आप कैमरा यूज, कैमरे में नहीं बोलते आप, मेगापिक्सल्स, मतलब कोई ऐसा रिजॉल्विंग पावर लेंस लगा हो जो बारीक से बारीक चीजों को भी डिस्टिंग्विश कर दे, जब आप ऐसे किसी हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हो, देन देर आर सम नंबर ऑफ लाइंस विद इन द लाइन, नंबर ऑफ लाइंस विद इन द लाइन, दैट इज कॉल्ड फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। एंड ऑल दोज लाइंस विद इन द लाइन हैव वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द नियर विद ईच अदर। Using high resolving power spectroscope, it is noted that each line is composed of several number of nearly same wavelength. बेटा ये कब पॉसिबल है, जरा देखिए। हम कहते हैं कि कोई एनर्जी लेवल है एन टू एनर्जी लेवल और कोई एनर्जी लेवल एन वन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है तो हमें यहाँ पे वन लाइन मिलती है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन इमिट होगी, जब आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखोगे तो आपको वन लाइन मिलनी चाहिए लाइन स्पेक्ट्रम में। लेकिन ये देखा गया हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप से कि जो ईच सिंगल लाइन, ये लाइन भी कई सारी लाइन से मिलकर बनी हुई है। ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब ये एनर्जी लेवल्स फिक्स ना हो, एनर्जी लेवल्स के अंदर भी कुछ सब एनर्जी लेवल्स हो। लाइक अगर हम इस एनर्जी लेवल को भी रिजॉल्व करके देखें तो इसके अंदर भी कई सारे एनर्जी लेवल्स हों, जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके आगे भी कई सारे एनर्जी लेवल्स हों, और फिर हम कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी एनर्जी लेवल से आ रहा है, मतलब आ तो ऑर्बिट से रहा है, दिस होल ऑर्बिट, ऑर्बिट को आपने ये रिजॉल्व कर लिया, ये ऑर्बिट को रिजॉल्व कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन अब इनमें से भी तो कहीं पे भी जा सकता है आपस में, इनमें भी तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आपस में, मतलब वो जो सिंगल लाइंस थी वो कई सारी लाइंस बन जाएंगी, और इस तरीके से ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है जो एक्सप्लेन नहीं हुआ बोहर से। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए सोमरफील्ड, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। सोमरफील्ड ने क्या किया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सटेंड करा आगे। जैसे बोहर ने कहा था कि बोहर से एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट। These circular orbits are the path of the electrons around the nucleus. लेकिन सोमरफील्ड ने थोड़ा सा इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा ठीक है, बोहर ने जो कुछ कहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन द सर्कुलर पाथ, इन्होंने कहा आप सर्कुलर की जगह आप एक वर्ड और यूज करिए, इन द इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल, इलिप्स, इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल पाथ, यू नो जस्ट लाइक द पाथ ट्रेवल्ड बाई द अर्थ अराउंड द सन, different different planets revolving around the sun, their path is the elliptical path, elliptical, circle नहीं, थोड़ा सा जो ये long axis है, ये upper axis है, इसको थोड़ा सा flat से कर दो। So according to Bohr, इन्होंने कहा किसी भी orbit के अंदर बहुत सारे orbit के अंदर circular path के अंदर कुछ elliptical path भी हो सकते हैं, and definitely each and every path is associated with the definite energy, definite angular momentum. That means Sommerfeld is the first scientist who gave the concept of subshells within the shells, give the concept of sub energy levels
विद इन द एनर्जी लेवल। उन्होंने कहा ऑर्बिट के अंदर भी, उनके अंदर भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिशंस, जस्ट ओनली दिस वन, नॉट इन डिटेल। इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स इन साइड एन ऑर्बिट। सब शेल्स मीन्स सब एनर्जी लेवल्स। Actually, Sommerfeld was trying to explain finite spectrum, and now you can explain finite spectrum. That means orbit has number of subshells, ये सब energy levels हैं इसके अंदर, और इधर भी सब energy levels हैं। When electron jumps from an orbit to another orbit, then it can jump from the sub energy level of an orbit to the sub energy level of another orbit. एंड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कहीं से कहीं पे भी जा सकता है। मतलब ये जो आपको सिंगल लाइन मिल रही थी, ये कई सारी लाइन्स हो सकती हैं, कहीं से कहीं भी जा सकता है। मतलब सिंगल लाइन को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन फाइनाइट स्पेक्ट्रम। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। Sommerfeld atomic model gave the concept of sub energy levels within the energy levels. Sommerfeld atomic model gives the concept of elliptical orbits within the circular orbits, that is the subshells. Okay, so second point of the Sommerfeld atomic model, according to this concept, that motion of electron in a closed orbit is influenced by its own nucleus. ये कहते हैं जो न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट में मोशन करता है। मतलब कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और कई ऐसी सिचुएशन आती है कम हो जाता है। तो जहां अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन क्लोजर हो गया, जहां अट्रैक्शन कम हो गया वहां इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गया, ऑर्बिट बिकम्स इलेप्टिकल पाथ। जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, आप देखते हो जब अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है गर्मी हो जाती है बहुत तेज, और जब सन के फारेस्ट होती है तो सर्दी हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट तो नहीं है ना, इलेप्टिकल है, डिस्टेंस वेरी करती है। और जो न्यूक्लियस है, इलिप्स क्या होता है, इलिप्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। देखिए जो कुछ सोमरफील्ड ने कहने की कोशिश की उसका मैं पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड, इफ दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑर्बिट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर, सोमरफील्ड ने कहा इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इलेप्टिकल पाथ भी होंगे, लाइक दिस देयर मे बी सम इलेप्टिकल पाथ, दीज आर द इलेप्टिकल पाथ अलोंग विद द सर्कुलर ऑर्बिट। और फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्बिट के अंदर ये सारे अलग अलग सब एनर्जी लेवल्स होंगे। सो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेप्टिकल पाथ, दिस इज द एलिप्स। एलिप्स में बेटा आप शायद जानते होंगे, मैं आपको एलिप्स के बारे में बताऊं पहले थोड़ा सा। जो एलिप्स होता है वो तो कुछ इस तरीका से होता है, ओवल शेप। इसमें टू सेंटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये घूमता रहेगा, न्यूक्लियस इनमें से दोनों में से किसी एक टाइम पे किसी एक के पास होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। तो किसी भी एटम में ऑर्बिट के अंदर ऐसे कुछ सब शेल्स हो सकते हैं अलोंग विद द सर्कुलर ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ओन न्यूक्लियस व्हिच रिजल्ट्स इनटू क्लोज्ड इलेप्टिकल पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एंड द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड ऑफ ईदर ऑफ द टू फोकल्स। दीज आर द टू फोकस ऑफ द एलिप्स। न्यूक्लियस इसमें से किसी एक के पास है और ऐसे में बेटा एलिप्स में, किसी भी एलिप्स में, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एक्सिस एंड दीज आर द टू फोकस, ठीक है। शॉर्ट एक्सिस डिनोटेड बाय के, लॉन्ग एक्सिस डिनोटेड बाय एन। तो यहां से हम एक रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ एन ओवर के, दिस इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग एक्सिस एंड दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट एक्सिस।
के की वैल्यू कभी एन से ज्यादा नहीं होती, शॉर्ट एक्सेस हो सकता है ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए, एन और के जब ये बराबर हो जाएंगे तो सर्कुलर पाथ में आ जाएगा। के के को मैंने यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू कहा, के की वैल्यू ये नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। नाउ इन्होंने ये भी कहा कि जिन पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, बोहर से काफी हद तक एग्रीड थे, बट ऑर्बिट जो सर्कुलर उन्होंने कहा ना, सर्कुलर के साथ साथ इलेप्टिकल भी होंगे, सर्कुलर के अंदर ही मतलब एक मेन एनर्जी लेवल के अंदर कुछ सब एनर्जी लेवल्स होंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एमवीआर इज क्लोज्ड इन ए क्लोज्ड इलेप्टिकल पाथ दैट इज सब शेल इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड मींस इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज फाउंड टू बी k into h over 2 pi, k is the non-zero integer, okay. The possible number of subshells in an orbit is also equal to the value of n. ये कहते हैं किसी भी orbit में maximum subshells कितने हो सकते हैं, किसी orbit में maximum subshells उतने हो सकते हैं जितने की उसका orbit number है. For example, in the first orbit you have to consider it is circular. That is, it has one orbit, और इसके अंदर वन ही सबशेल होगा। सबशेल्स के एक रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल की वैल्यू ऑर्बिट के बराबर ही होगी, जीरो टू ऑर्बिट, ठीक है। इन द सेकेंड ऑर्बिट इफ वी टॉक अबाउट इन द सेकेंड ऑर्बिट दिस इज द न्यूक्लियस एंड देयर इज टू सबशेल्स denoted as n equal to 1, n equal to 2. मतलब second orbit में इस model के according एक elliptical orbit होगी, second orbit में इस model के according one elliptical orbit होगी and one circular orbit होगी. That is, there are two subshells. इस case में यहाँ पे two subshells होंगे. Second orbit में two subshells, third orbit में three subshells, fourth orbit में four subshells. That means this model gives the concept of subshells or sub-energy level within the orbit and was able to explain very clearly fine line spectrum of hydrogen. बेटा ये वैसे भी बहुत लॉन्ग है, हाँ, k की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, मैंने आपको बताया था k ये होता है, अगर ये जीरो हो गया that means electron travel in a straight line which is not possible. So remember k should be non-integer value, k should be non-zero integer value always. Okay, so this is the Somers extension of the Bohr's atomic model or Somers atomic model, and this model was able to explain the fine line spectrum of hydrogen. Now, after the Sommerfeld atomic model and Bohr's atomic model, new atomic model, wave mechanical model has been developed, which was mainly based upon de Broglie concept of de Broglie concept of dual nature of particle as well as Heisenberg uncertainty principle. Let's see the development of wave mechanical model. So till then, watch this one, and if you have any doubts then you can call me or message me. Thank you, thanks a lot. But remember, this model is only and only for the introduction for the competitions. कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन आया है अब तक कि सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल या किस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो इलेप्टिकल भी हो सकता है, देन आंसर इज सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.